आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी एसआई। महत्वपूर्ण जानकारी वाराणसी से निकल के सामने आ रही है। जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी एसआई। बता दें कि कोर्ट ने 11 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट करने के दिए थे आदेश, और आज 11 दिसंबर है, सोमवार का दिन है, और ऐसे में आज ही आदेश दिए गए थे। बार बार मोहलत एसआई की तरफ से मांगी जा रही है रिपोर्ट को बनाने में, पेश करने में, तो आज ही वो अहम दिन है जब एएसआई अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। तो आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है, एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करेगा। तो जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी एएसआई। बता दें कोर्ट ने 11 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए थे। तो आज जिला कोर्ट में एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करने जा रही है। बता दें कि एक बार फिर से अब देखना होगा कि क्या आज रिपोर्ट पेश होती है। एक बार फिर से मोहलत मांगी जाती है, क्योंकि इससे पहले दो तीन बार ऐसा हो चुका है जब एएसआई ने मोहलत मांगी है, रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। विकास चौबे वाराणसी से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या आज रिपोर्ट पेश हो सकती है, संभावनाएं नजर आ रही है आपको? देखिए स्मृति, रिपोर्ट आज पेश हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी रिपोर्ट पेश, क्योंकि अगर आज रिपोर्ट पेश नहीं करती है एसआई तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका रहेगा, और इस बार जो है बड़ी फटकार लगा सकता है कोर्ट, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था कि कैसे एएसआई के ऊपर कोर्ट ने नाराजगी लगाई थी, और कहा था कि आप लगातार जो समय में डिले कर रहे हैं, आप बार बार जो है एप्लीकेशन देकर समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, आज इसके क्या मायने हैं, आप बार बार इस पर देरी क्यों कर रहे हैं। इस तरह से जो देखा जाए जो सर्वे चल रहा था तो 30 दिन का जो समय दिया गया था उसको खींच कर अब 100 दिन से ऊपर तक का समय एएसआई ने मांगा, और दरमियान सर्वे जो है पूरे दिन चला, फिर इसका लंबा ब्रेक आया, उसके बाद से जब लगातार चीजें होती रही तो कई तरह के दूसरे बीच पड़ा हुआ है। इसी बीच जो है एएसआई ने एप्लीकेशन डाली की 3 हफ्ते का समय हमको और चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ जो है तक रुख अपनाते हुए कहा कि हम आपको 1 हफ्ते का समय देंगे, अगर इस दरमियान अगर आप रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे तो ठीक है, वरना अगर आपके ऊपर आगे से कार्रवाई की जाती है तो ये भी सारी बात होगी। लेकिन आज वो दिन है जबकि एएसआई सिल्वर लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और साथ ही साथ जो 250 से अधिक अवशेष है जो की खुदाई के दौरान सर्वे के दौरान जो निकले हैं, जिनको जिला प्रशासन के संरक्षण में रखा गया था, उन अवशेषों को भी जो है कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, और उनकी शिनाख्त करके उनका जो पूरी जो कहते हैं कि तब्दीस करके जो है कोर्ट किसी में पहुंच पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज अभी 2:30 बजे के आसपास, यानी कि अभी से चंद मिनटों के बाद ये पूरी जो समय सीमा थी वो समाप्त हो जाएगी, और समय अवधि में जो एएसआई ने कुछ भी जो चीजें प्राप्त की हो, चाहे जीएनएसएस के माध्यम से चाहे जीपीआर के माध्यम से जो चीजें उन्होंने प्राप्त की, वो सभी को जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करना होगा। जी पिछली बार भी कड़े निर्देश साफ तौर पे कोर्ट की तरफ से दे दिए गए थे विकास, तो क्या आज ऐसा हो सकता है कि अगर एसआई रिपोर्ट जो है वो पेश ना करे तो कोर्ट की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है, मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए इसकी संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं आज रिपोर्ट पेश कर सकती है, क्योंकि जिस वजह से दे रही थी वो डीपीआर रिपोर्ट, यानी कि जो डीपीआर सर्वे होता है इसके तहत जो रिपोर्ट बन रही थी उसकी हार्ड कॉपी हैदराबाद मुख्यालय में थी, जो कि कारण एएसआई ने अपने लिखित कारण में बताया था, जो नोटिस जारी किया गया था, तो एएसआई कोर्ट को बताया कि जितना रिपोर्ट पेश नहीं कर पा रहे, जो कि 10 दिन का वारंट रहेगा, तो 10 दिन का समय इनको मिल जाता, 10 दिन के अंदर वो रिपोर्ट तैयार करने की बात सामने आएगी, तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट तैयार होगी होगी, और अब जितना रिपोर्ट समय जितने भी पूरी सिल्वर लिफाफे में 250 पन्नों की रिपोर्ट है उसको पेश कर देंगे, और उसके बाद जो पूरी कार्रवाई है कोर्ट की वो आगे बढ़ पाएगी, और चीजों को जो है एक बार फिर से जैसे कमीशन कार्रवाई में देखा था कि कैसे 2021 में कमीशन की कार्रवाई हुई थी, 1991 का जो मामला था जिसकी कोर्ट में याचिका डाली गई थी, उस कार्रवाई के हिसाब से पूरे कोर्ट के पतन को आगे बढ़ाया जाएगा, और एक बार फिर से जो सुनवाई है इस पर सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगी। जी